उत्तर प्रदेश में यहां पर पेपर लीक हो जाता है और यहां के मुख्यमंत्री बाबा कहते हैं कि किसी बादशाह की आत्मा आ गई। बाबा आपको आत्माओं से इतनी मोहब्बत क्यों है बताइए, कैसे आप आत्माओं को पहचान लेते? हम भी पूछना चाहते हैं बाबा से, ये आत्मा आ गई कहां से? पेपर लीक क्या नाथूराम गोडसे की आत्मा ने लीक किया था बताओ महाराज? पेपर लीक हो गया उत्तर प्रदेश में, नौजवान परेशान है। वो नौजवान हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बैकवर्ड क्लास का भी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, यादव है, दलित है, पासी है, सब है, आदिवासी है, मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमान 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 करते हैं। और मोदी जी झूठ कहते हैं, उन्होंने कहा कि रमजान में मैंने इसराइल से कहा कि जंग बंदी कर दो। नरेंद्र मोदी इतना तो झूठ मत बोलो, झूठ बोले काला कौवा काटे। अब बताइए कि इसराइल बमबारी अपनी जारी रख रहा है, आज राखल राफा में 45 लोग मारे गए रेफ्यूजी कैंप में, भारत क्यों नहीं कहता? मोदी तुम बोलो ना, नेतन्याहू से कहो कि जंग बंदी करो, मगर भारत से आज से चंद दिन पहले स्पेन में कश्ती को रोक लिया गया जिसमें 27 टन हथियार था, असला था, एक्सप्लोजिव थे जो भारत से जा रहा था इसराइल को। और मोदी झूठ बोलते हैं कि मैंने कहा इसराइल को कि रमजान में बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी, भारत ही पहला देश था जिसने फलस्तीनियों को माना था। गांधी ने कहा था ये मुल्क ये जमीन अरबों की है, यहां पर यहूदियों को नहीं रहना चाहिए, मगर आज आपके जबान से उन मासूम फलस्तीनियों के बारे में तो अल्फाज नहीं निकलते। देश के प्रधानमंत्री एक लंबी झूठ बोल दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखिए इस देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है। नेपाल है, छोटा सा मुल्क है, आज नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। नेपाल अपने करेंसी के नोट पर उन इलाकों को भारत के इलाकों को कह रहा है कि ये नेपाल का इलाका है। बोलो नरेंद्र मोदी कुछ तो बोलो, नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी बोलेंगे मुजरा हो रहा है, मुजरा नहीं मेरे भाई। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं है? मुजरा हो रहा है नरेंद्र मोदी, देश की 50% आबादी महिलाओं पर है, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मुजरा हो रहा है, जाओ मुजरा देखो, मुजरा करो। नरेंद्र मोदी ये याद रखो, अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो अल्लाह ने भी हमको भी बहुत अच्छी जबान दी है, और हम अपनी जबान से ही बदनाम होते हैं। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है और मोदी कुछ नहीं कहते। क्या मोदी आप चीन के साथ ब्रेक डांस कर रहे थे? गांव रक्षक मारते हैं अखलाक को, पीलू खान को धर्म संसद से गालियां दी जाती है, तो क्या आप उनसे भांगड़ा कर रहे थे? ये वजीर आजम की जबान है, ये इनकी नफरत है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपको बड़ी एहतियात के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना है। हाँ, कोई आकर कहेगा मेरे आज की इस तकरीर के बाद कि पीडीएम को अगर वोट देंगे तो तुम्हारा वोट गड्ढे में डालने के बराबर है, खड्डे में डालने के बराबर। मैं हमारे अख्तरुल ईमान जो बिहार प्रदेश के हमारे सदर है, उन्होंने एक मिसाल दी कि जब रामविलास पासवान के हक में दलितों ने वोट दिया तो किसी एक बड़े नेता ने जाकर उन दलितों से कहा कि तुम्हारा वोट खड्डे में पड़ रहा है, गड्ढे में पड़ रहा है। तो उस दलित ने जवाब दिया कि हां सर, हम अपने वोट से उस खड्डे को भर रहे हैं, जब भर जाएगा हम अपनी इमारत को तामीर करेंगे। तो आपको भी अपने वोट का इस्तेमाल करना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डरते रहेंगे तो फिर ये सब हमको इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हमारे वजीर आजम कहते हैं कि पूर्वांचल में बड़े बड़े बहादुर लोग गुजरे, सिर्फ मंगल पांडे का जिक्र करते हैं। यकीनन कीजिए, हम भी इज्जत करते मंगल पांडे की, उनके साथियों की, मगर नरेंद्र मोदी जी क्या इस देश की आजादी में एक मुजाहिद आजादी का नाम जो पूर्वांचल का बेटा था उसका नाम मुख्तार अंसारी था, तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकलता? निकालो अपनी जबान से, कहो मुख्तार अंसारी भी देश का आजादी का सिपाही था।
मगर मोदी जी की जबान से नहीं निकलेगा, वो बोलेंगे मुख्तार अंसारी निकलेगा तो उनका उत्तर समझेगा वो मुख्तार की बात कर लिए।